गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8th के मैथ्स के पेपर का पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कर लिया है, आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। पेपर बहुत टफ है, तो आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हम पहले पार्ट में कर चुके हैं, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप वो पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर, हमें 6th करना था। फर्स्ट का 6th पार्ट चल रहा है। अभी देखो क्या कहा गया है 6th पार्ट में। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करता है। अंतरिक्ष में वस्तुओं के लिए हमें दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग 95000 किमी है। खगोलविद के एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं जो पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर पर है। पृथ्वी से तारा कितने किलोमीटर दूर है? अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन वन ईयर अर्थ ईयर। फॉर ऑब्जेक्ट इन स्पेस वी यूज लाइट ईयर टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस बिटवीन द टू हेवनली बॉडीज। वन लाइट ईयर इज द अप्रोक्सीमेटली 9510 किलोमीटर्स। एस्ट्रोनेट आर ऑब्जर्विंग अ स्टार इन 5 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। हाउ फार इज द स्टार फ्रॉम द अर्थ इज किलोमीटर। हमें किलोमीटर में जो प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर है, उसकी हमें दूरी निकालनी है। देखो क्या कहा गया है कि एक प्रकाश वर्ष की दूरी उन्होंने दी है, हमें क्या निकालनी है 5 की। तो इसको हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। सीधा सा क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो 0 थी, उसकी जगह हम सीधा उसको पावर लगा देंगे। तो एक प्रकाश वर्ष या 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी है, 9.5 × 10^11। जब 0 को काउंट करोगे तो 10^11 होगा, और 5 की हमें निकालने, तो 9.5 को हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आएगा, 47.5 × 10^11। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, एक से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संख्या वर्ग है। बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है यहाँ पे, तो सी 324, 18 × 18 जब आप करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 320 सी इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 324 यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके और में एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, अंडर रूट निकालनी है 13, वर्ग मूल निकालना है 1369 का। अगर इसका निकालेंगे तो 37 आएगा। आपको दिखाते हैं किस तरह से, देखिए इस तरह से जब हम वर्गमूल निकालते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो चेक कर लीजिए, वहाँ से आपको वीडियो पे इस तरह के वर्ग रूट वगैरह निकालना बहुत अच्छे और बहुत शॉर्ट तरीके में समझाया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। जब देखो 3 को पहले हमने पेयर बना लेते हैं, 13 का पेयर बना लिया, 69 का पेयर बना लिया, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 37 हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति का गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है को संतुष्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ओनली वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। एक साइड पैरेलल है, देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, इसमें भी ये वाली साइड पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाली साइड तो पैरेलल नहीं है, लेकिन ये वाली साइड दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि समांतर है, तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं इसका और वाला पार्ट, और इसका और वाला पार्ट के लिए मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगी आपको, उसके लिए लास्ट में करवाऊंगी ये क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो अब क्वेश्चन 2nd स्टार्ट हो रहा है, जिसमें क्या कहा गया, केस स्टडी है। क्रॉस कंट्री का एक रनिंग इवेंट है जिसमें धावकों ने पूर्ण निर्धारित दूरी पूरी की है। इसमें से विभिन्न गतिविधियां शामिल है जिसमें धावक विभिन्न वातावरणों को कवर करते हैं। 11 किलोमीटर की क्रॉस में कटिंग इवेंट है, तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे इन्होंने ये गतिविधि दी गई है यहाँ पर एक तरफ, और एक तरफ दूरी किलोमीटर दी गई है अलग अलग, उसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं। हिंदी और इंग्लिश में सेम है, आप हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में समझ लीजिए, बस हम इसको फटाफट करते हैं। तो आइए करते हैं इनको सॉल्व। अब देखते हैं आगे, देखो क्या कहा गया है, ये सब हमने भी रीड कर लिया, सेम इंग्लिश में भी यही है, तो हम इसे रीड करने की जरूरत नहीं, बस हम क्वेश्चन समझते। देखो कुल दूरी का कितना भाग कीचड़ दौड़ है, तो वहाँ से हम देखेंगे तो आंसर सी आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल इसको काउंट करना है, और कीचड़ का भाग टोटल देखो काउंट करो, 3 to 6, 3 और 5, 5 to 7, 7 to 9, 10 और 11, टोटल यहाँ पे 11 है, और कीचड़ वाला जो भाग है वो हमें क्या करना है, तो कीचड़ वाला भाग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/11। इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चन, हम सिर्फ फटाफट आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम करते हैं इसका आंसर, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1/11। कुल दूरी का कितना भाग जल निकायों का है, व्हाट फ्रैक्शन आर द टोटल डिस्टेंसेस क्रॉसिंग वाटर बॉडीज। जब आप इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, इसका आंसर आपको यहाँ पे डी 1/11, यहाँ पे इसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा, 1/11 का।
तो इसका आंसर भी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकंड का भी डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही वन दिया गया है। थर्ड में देखिए, पक्की और कच्ची सड़कों द्वारा तय की गई दूरी कुल दूरी का कितना भाग है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज डिस्टेंस कवर द पावर्ड एंड द अनपावर्ड रोड। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जब आप कच्ची और पक्की सड़क दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5/11 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ में क्या कहा गया है, पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल द्वारा तय की गई कुल दूरी का कितना भाग है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस कवर और हिल क्लाइंबिंग एंड वुड। तो इसमें भी हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे जो फोर्थ है उसका भी आंसर निकलेगा 2/11 हमारा यहाँ पर आंसर निकलेगा। टोटल हमारा आंसर कितने निकलेगा, 2/11। अब हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। राहुल कहता है कि जंगलों से दौड़कर और पहियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री में कुल दूरी का कवर कितना भाग है, मतलब उसने कहा है जंगलों से दौड़कर पहाड़ियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री, अगर इन दोनों को जोड़ने पर ये क्रॉस कंट्री का टोटल कितना भाग है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो आधे से कम आएगा। इसका कितना भाग आएगा, आधे से कम, जोड़ करके, इसमें कुछ नहीं है, जोड़ के देखिएगा वो 11 से कम आएगा, इसीलिए क्या हो 11 के आधे से, मतलब 5 से कम आएगा, इसलिए हम उसमें लिख देंगे आधे से कम। इंग्लिश में भी सेम देखो क्या है, राहुल सेज दैट बाय रनिंग थ्रू वुड एंड क्लाइंबिंग हिल्स ऑफ डैश ऑफ द टोटल डिस्टेंस क्रॉसिंग कंट्री एंड द बी कवर्ड, तो क्या हो जाएगा, लेस देन हाफ। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, स्कूल के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पंक्ति कॉलम के समान संख्या में छात्रों की व्यवस्था की जानी है, मतलब स्कूल में प्रेयर होती है ना, उस तरह से अरेंज करना है उनको, व्यवस्था में दर्शाए अनुसार 9 विद्यार्थियों को व्यवस्थित किया जा सकता है, फॉर अ स्कूल परफॉर्मेंस एंड इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर टू बी अरेंज इन रो एंड कॉलम 9, स्टूडेंट कैन बी अरेंज इन शो ऑन वन अरेंजमेंट। यहाँ पे वन अरेंजमेंट दिया है तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे कहे गए हैं। क्वेश्चन देखो फर्स्ट में क्या कहा गया है, एक सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यवस्था में 1 से 100 विद्यार्थियों के लिए एक पंक्ति स्तंभ में कितने विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एडेड एंड रो एंड कॉलम अरेंज 1 to 100 स्टूडेंट। तो कितने, अगर हम यहाँ पे 7 जोड़ देते हैं, 3 की रो है यहाँ पे 7 जोड़ते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, 100 हो जाएंगे, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सेकंड देखते हैं क्या कहा गया है, प्रदर्शन आयोजित करने वाले शिक्षकों को लगता है कि एक समूह में 100 छात्रों को व्यवस्थित करना मुश्किल होगा, वे समूह के 2 वर्ग व्यवस्थाओं में विभाजित करने के बारे में सोचते हैं, प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं, द टीचर्स ऑर्गेनाइज द परफॉर्मेंस थिंक दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज 100 स्टूडेंट इन वन ग्रुप, दे थिंक टू डिवाइडिंग द ग्रुप इन टू 2 स्क्वायर अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी देयर इन द अरेंजमेंट। तो 2 स्क्वेयर निकालनी है हमको, देखो हम किसकी निकाल सकते हैं, 6 की स्क्वेयर प्लस 4 की स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 100। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, 2 छात्र कार्यक्रम में दिन प्रदर्शन कार्यक्रम के दिन प्रदर्शन में अनुपस्थित थे, शिक्षक वर्तमान छात्रों को 2 वर्ग व्यवस्था में विभाजित करने के बारे में सोचते हैं, प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं। देखो क्या है, 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस इन वन इवेंट डे, टीचर थिंक ऑफ द डिवाइडिंग द प्रेजेंट स्टूडेंट इनटू 2 स्क्वेयर अरेंजमेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी देयर इन अरेंजमेंट, कितने स्टूडेंट्स को और वो ऐड कर सकता है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 + 64, तो अगर ऐड करेंगे तो क्या स्क्वेयर बन जाएगा, पहले कितना था, पहले यहाँ पे कितना था, अब यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो आंसर, एक सेकेंड, अब क्योंकि क्या करना है यहाँ पे क्या करना है, स्क्वेयर होने चाहिए, तो अब यहाँ पे करें 49 की स्क्वेयर, तो 7 की स्क्वेयर एंड 7 की स्क्वेयर हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, इधर यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर होता है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्क्वेयर ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू, 2 जो क्रमागत संख्या है उनके वर्गों के बीच का अंतर कितना होता है, उनके योग के बराबर, देयर सम उनके योग के बराबर होता है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अलग है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सब क्या है, देखो 0 0 अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ध्यान से देखो किस तरह से अलग हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पे रूल देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो इन 2 को 10 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 30 30 को करेंगे 900 आएगा, 20 20 को करेंगे 400 आएगा, लेकिन 40 40 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नहीं आएगा, 14 नहीं, कितना आएगा यहाँ पे, 1600 आएगा। तो ये यहाँ पे इस हिसाब से ये अलग हो जाएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, अलग डी हो जाएगा। अब इस आगे का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें इस क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। थैंक यू गाइज़।